नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अखिलेशियंस में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी भले ही इस समय कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, परंतु वे उत्तर प्रदेश और देश की जनता के लिए अब भी अपने सवालों को बुलंद कर रहे हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आइसोलेशन से ही व्यंग्यात्मक तरीके से अपने सवाल खड़े किए। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ट्विटर पर पोस्ट करके पूछा कि यूपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, अफवाह फैलाने वालों पर एनएसए के तहत हो कार्रवाई, योगी आदित्यनाथ। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। इसके बाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि ऐ हुक्मरान, झूठ सियासत के लिए बोलो तो माफ़ कर भी दिया जा सकता है, लेकिन ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है, तू खुद दिल पर हाथ रख कर बता, क्या इस पर कोई झूठ है बनता, भाजपा सरकार ऑक्सीजन दो। इसके बाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी का एक और ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, वो बेहद दुखद है, और उससे भी दुखद है कि भाजपा सरकार सरेआम झूठ बोल रही है कि कहीं कोई कमी नहीं है। ये एक नैतिक अपराध है। अब तो भाजपा के समर्थक तक इस झूठ में अपनों को खोने के लिए बाध्य हैं। सत्य का इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ।